तो एक बार फिर से लोगों के दिलों में अपनी दहशत फैलाने स्त्री लौट के आ गई है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आई है क्योंकि उसके साथ इस बार आया है सरकटा भूत, जिसका आतंक इस बार चंदेरी पर खूब जम के होने वाला है। तो जैसा हमने इसके ट्रेलर में देखा कि सरकटे का भूत असल में वो इंसान था जिसने स्त्री को चुड़ैल बनाया था, जिसके बाद शायद स्त्री ने कसम खा ली थी कि वो जब तक चंदेरी में है वो इस गाँव में सरकटे की परछाई तक नहीं पड़ने देगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि स्त्री अब गाँव में है ही नहीं, तो एक बार फिर से सरकटे का आतंक चंदेरी पर दोबारा से चालू हो चुका है। लेकिन इस बार खतरा मर्दों पे नहीं बल्कि गांव की महिलाओं पर होने वाला है, क्योंकि जैसे स्त्री गांव के मर्दों को पकड़ती थी वैसी ये सिरकटा भूत गांव की महिलाओं को पकड़ता है, जिसे हम ट्रेलर के कई शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। लेकिन यार मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इस फिल्म की वही पुरानी वाली वाइब। यार सच में फिल्म की पूरी वाइब बिल्कुल पहले के जैसी ही है, चाहे वो मूवी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स हो या फिल्म का ह्यूमर, वो आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही फील होता है। इसके ट्रेलर को देखकर आज भी हमें वही फील होता है जो हमें साल 2018 में पहली वाली स्त्री को देखकर फील हुआ था। ट्रेलर में हम आगे श्रद्धा कपूर को भी देखते हैं, जिसकी चोटी अब काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो पिछली स्त्री मूवी के लास्ट में श्रद्धा ने स्त्री की चोटी को काटकर उसे अपनी चोटी में मिला लिया था, तो ऐसा हो सकता है कि श्रद्धा को इससे कुछ पावर्स भी मिली हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के कई सीन्स में हमें श्रद्धा की चोटी से बिजली निकलते हुए नजर आ रही है, यहाँ तक कि मेकर्स ने इसे पोस्टर में भी डाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में विक्की श्रद्धा कपूर की रियलिटी को आखिर कैसे जान पाएगा कि असल में वो आखिर कर क्या रही है। ट्रेलर में एक सीन जरूर है जिसमें श्रद्धा हमें थोड़ी सी डिमोनिक नजर आती है, लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे ख्याल से ये शायद एक ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा ने विक्की की उंगली को खा लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा असली फिल्म में होने वाला है। और जैसे इस बार स्त्री अकेली नहीं आ रही है, वैसे ही उसी प्रकार से श्रद्धा भी इस फिल्म में हमें अकेली हीरोइन देखने को इस बार नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार हमें स्त्री 2 में तमन्ना भाटिया का एक्सटेंडेड कैमियो भी देखने को मिलेगा, जहां होपफुली मेकर्स तमन्ना को इस बार आई कैंडी से थोड़ा ज्यादा यूज कर ले। लेकिन अगर वो आई कैंडी के रूप में भी यूज करते हैं ना यार, तो भी मैं इन हूं भाई, तमन्ना को देखने के लिए कुछ भी। खैर जोक सपाट, अब वापस अगर ट्रेलर पे आए तो ट्रेलर में हमें सरकटे भूत की कुछ शक्तियों के बारे में भी पता लगता है, जैसे वो गांव के मर्दों को पोजेस कर सकता है, यानी वो उनके वश में आ जाएंगे। जहां हम ऐसे कई सीन्स देखते हैं जहां गांव के सारे मर्दों की आंखों को थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एकदम पोजेशन में है। तो अब एक बार फिर से पूरे चंदेरी गांव को बचाने की जिम्मेदारी हमारे तवायफ ज़ादे यानी विक्की पर आ चुकी है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विक्की और उसके दोस्त मिलकर आखिर कैसे स्त्री और सरकटे भूत का सामना करते हैं। और मैं आपको ये बेट लगा कह सकता हूँ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 से 300 करोड़ तो आराम से कमाने वाली है। अरे भाई अभी हाल ही में रिलीज हुई मुंजिया फिल्म को ही देख लो, उसने ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमा लिए, जबकि उसमें तो कोई बड़ा स्टार भी नहीं था। तो अब एक बार खुद सोच के देखो कि स्त्री आखिर कितना कमाएगी। अरे ये तो सेकंड पार्ट है यार फ्रेंचाइजी का, वो भी मेन। खैर दोस्तों मुझे तो इस फिल्म का ट्रेलर सच में काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोगों के इस ट्रेलर को लेकर क्या विचार है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।